In this module, we will discuss the importance and the role played by another important receptor protein, that is, the tyrosine kinase for the cell signaling. Now, the tyrosine kinases they are actually enzymes which phosphorylate specific tyrosine residues on protein. सब्स्टेट मैंने जैसे कहा कि जितने भी काइनेजेज हैं वो क्या करती हैं यूजेज ए टी पी एनर्जी टू फासफोराट उनको फासफोरिट करती हैं एंड अ स्पेसिफिक टाइरोनेज रेजिड्यूज ऑन प्रोटीन सबस्टेट नो प्रोटीन टाइरोसिन फासफोरेशन इज ए मेकनिज्म फॉर सिग्नल

नो नदीज काज आर इनका फंक्शन क्या है दे आर इन्वाल्व इन द रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ जो ग्रोथ है नुमा है उसमें इनका रोल है सेल डिवीजन के जब सेल ने डिवाइड करना होता है आगे बढ़ना होता है डिफ्रेंशियशन सेल के डिफरेंट हिस्से जो हैं वो डिफ्रेंशिएट करते हैं एंड द सर्वाइवल द लिविंग सिस्टम ऑफ द सेल जो कि उसको यूज़ करता है एंड अटैचमेंट टू द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रक्स ये एक्स्ट्रा सेलुलर जो मैट्रक्स है उसके साथ जो अटैचमेंट होनी है वो भी ये काइनेस ने करती है और क्यों एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रक्स के साथ अटैचमेंट क्यों जरूरी है एक तो सेल जो है सिंगल यूनिट है सिंगल एंटाइटी है बट वैन द कोलेक्शन ऑफ सेल इज देयर टू मेक द ऑर्गन उस में ये जरूरी है And the migration of cells, cell, ke cell ko migrate karna from one place to another, is also very important. Now, these kinases <clears throat> they are divided into two groups. One is the receptor protein, kinases, RTKS, which are integral membrane protein that contain a single transmembrane helix. एंड एक्स्ट्रा सेलूलर लैग एंड बैंडिंग टू माइ चुनाच पहला क्या है रिसेप्टर प्रोटीन टैरोसिन काइनेज जो कि मैमब्रेन प्रोटीन का एक जुज्व लाजमी है जुज्व लायफिक है द सेकेंड वन इज द नॉन रिसप्टर ऐसी प्रोटीन जो कि नॉन रिसेप्टर है और द साइटोपलाजमिक प्रोटीन टैरोसिन काइनेज यानी दो तरह की हो गई एक रिसेप्टर हो गई और जो कि मेम्ब्रेन पॉइंट है जो कि मेम्ब्रेन के साथ है और एक नॉन रिसेप्टर प्रोटीन जो कि साइटोप्लाज्म के में है सेल के नाउ द प्रोटीन काइनेज एक्टिवेशन साइट्स ऑन आरटीकेज कैन कैरी आउट टू डिफरेंट फंक्शन इनको एक्टिवेट होना है तो इनके क्या फंक्शन है इनका कैसे हैं दो हैं वन इज दे कैन रेगुलेट द रिसेप्टर काइनेज एक्टिविटी के रिसेप्टर काइनेज जो है जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी को वो कंट्रोल करते हैं रेगुलेट करते हैं एंड सर्व एज द बाइंडिंग साइट फॉर साइटोप्लाज्मिक सिग्नलिंग मालिक्यूल जब मालिक्यूल सिग्नल करता है साइटोप्लाज्म तो उसके साथ बाइंडिंग साइट जो हैं उनको वहाँ पे काम आता है देन द लाइटेंट एडिएटेड डाइमेरिएशन जो है वो इसका एक फंक्शन है एंड इन द नॉन एक्टिवेटेड स्टेट जब ये एक्टिवेट नहीं होते तो क्या होता है द रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट ऑन द मेम्ब्रेन एज मोनोमर्स मेम्ब्रेन के ऊपर वो मोनोमर के तौर तो पे होते हैं डाइमर के तौर तो पर नहीं होते या ज्यादा बड़े नहीं होते एंड द बाइंडिंग ऑफ वाइवलेंट लेंगर्ड लीड डायरेक्टली टू डाइमेजिएशन ऑफ द रिसेप्टर एंड एक्टिवेशन ऑफ इट्स का इन एक्टिविटी कि जब क्या होता है कि इनकी जब बाइंडिंग होती है बाइवेंट लैगन की तो फिर ये डाइमर बन जाते हैं दो जुट जाते हैं ज्यादा बन जाते हैं एंड मेक द रिसेप्टर एक्टिव नाउ द बाइंडिंग ऑफ ईच लाइगन इट इंड्यूस ए कंफर्मेशनल चेंज बॉडी में जो मॉलिक्यूल्स हैं हाउ दे परफॉर्म एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इन द सेल द मॉलिक्यूल्स परफॉर्म बाय कन्फर्मेशनल चेंजेस उनका जो स्ट्रक्चर है वो चेंज होता है एंड देन दे कम्युनिकेट एंड द कन्फर्मेशन चेंजेस इन द रिसेप्टर दैट क्रिएट्स ए डाइमेजेशन इंटरफेस एंड द लाइग बाउंड मोनोमर्स इंटरैक्ट थ्रू दिस इंटरफेस टू बिकम एन एक्टिव डाइमर तो ये एक इंटरफेस है जिसमें जब वो इकट्ठे होते हैं जब वो आते हैं तो वो एक्टिव हो जाते हैं वो uh, महर्रक हो जाते हैं नौ द प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन डैट इज डिपेंडेंट ऑन सिग्नलिंग पाथवे विच कंसिस्ट ऑफ चेन ऑफ सिग्नल प्रोटीन दैट इंटरक्ट विद वन अनादर इन ए सिक्वेंशियल मैनर एक सिग्नल सेटअप है जो कि एक दूसरे के साथ थ्रू प्रोटीन्स एक्ट करते हैं और सिक्वेंशियल मैनर में एक सिमत में एक सिस्टम के तहत दे क्रिएट इन मेक दिस सिग्नलिंग प्रोटीन्स दे आर एबल टू एसोसिएट किसके साथ एक तो एक्टिवेटेड जो प्रोटीन्स हैं

ज़र हिमोलोजी टू एस आ वन टू डोमेन एंड फास्टफोड टायरोसिन बाइंडिंग डोमेन विच इज़ कॉल्ड एज पी टी पी डोम और इस तरह ये जो टाइरोसिन काइनेस है ये सिग्नलिंग में काम करते